वाईडी नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुराड़िया बालाजी के यहां से 225 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। मंदसौर वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक द्वारा मंगलवार को 2:10 पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 9 तारीख को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गुराड़िया बालाजी मंदिर के यहां से पकड़ा गया और पूछताछ की गई, जिसके बाद तलाशी लेने पर 225 ग्राम स्मैक मिली, जिस पर आरोपी प्रकाश जाट निवासी नागौर राजस्थान का निवासी है, जिसके कब्जे से पुलिस ने स्मैक बरामद की है। वाईडी नगर पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज किया और पूछताछ की जा रही है। आरोपी बस का इंतजार कर रहा था और बस में बैठने से पहले ही वाईडी नगर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस द्वारा रिमांड भी मांगा जाएगा। आज मंगलवार को पुलिस ने खुलासा किया है। ये 9 तारीख को मुखबिर की सूचना के आधार पर हमने गुराड़िया बालाजी के पास से प्रकाश जाट निवासी नागौर राजस्थान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 225 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए है। और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस रिमांड प्राप्त करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पूछताछ की मालूम चल रहा है सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अभी प्रारंभिक पूछताछ में तो कुछ ऐसा तथ्य ज्ञात नहीं हुआ है। पुलिस रिमांड लेकर के उससे जानकारी ली जाएगी कहाँ से लाया है और कहाँ ले जा रहा था। वैसे पूछताछ में उसने स्वयं के उपभोग के लिए ले जाना बताया है। ये बस का इंतजार कर रहा था, ये पहले बाई बस ही आया है और ये वहाँ बस का इंतजार कर रहा था। थैंक यू।